हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के एलेक्टेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि JNU के द्वारा जो है MTS जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और भी ऐसी तरह तरह की पोस्ट थी जिसकी एग्ज़ाम डेट जो है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल जो है वो रखी गई थी। तो आज का हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपने बोर्ड पर देख भी लिया होगा, JNU MTS कट ऑफ। यदि आपने MTS का एग्ज़ाम दिया है JNU का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज आपका ये डाउट दूर कर दिया जाएगा कि MTS के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है आखिरकार कितनी रहने वाली है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो MTS का जो एग्ज़ाम है वो कितनी शिफ्ट में लिया गया है और सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही है, किस शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आपकी बार मिलने वाला है। और जैसा कि फ्रेंड आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताई जाती है वो बिल्कुल ही सटीक, ऑथेंटिक, रियल बताई जाती है। और बच्चे फिर बाद में ये कहते हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई तो वो बिल्कुल ही आपकी जवाब आसपास इसकी रही है। और हमने कई बार देखा भी है कि जो हमारे द्वारा कट ऑफ बताई जाती है वो बिल्कुल ही जो दोस्तों सटीक बैठती है, क्योंकि हम जो आपको डाटा प्रोवाइड करवाते हैं वो जो डाटा होता है वो बच्चों का डाटा होता है। हम अपनी तरफ से कोई भी डाटा आपको उपलब्ध नहीं करवाते, जो डाटा हम आपको देते हैं वो डाटा बच्चों का डाटा होता है। तो अब जो ये मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, ये 4 से 5 हज़ार कैंडिडेटों का जो है सर्वे है। सर्वे करने के बाद जो है मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, और सेकेंड शिफ्ट में खुद मैंने इसके एग्ज़ाम को दिया है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी शिफ्ट इसमें हार्ड थी, कौन सी आसान थी, किस शिफ्ट को सबसे फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का, और क्या आपकी कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MTS का जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था। कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि MTS का जो एग्ज़ाम है आपका वो 3 शिफ्ट में जो है कंडक्ट करवाया गया था। हाँ दोस्तों, 3 शिफ्ट में जो है आपका MTS का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। और सबसे हार्ड जो शिफ्ट मुझे मिली, जो मुझे बच्चों के द्वारा बताई गई, वो रही है आपकी सेकंड शिफ्ट। हाँ दोस्तों, सेकंड शिफ्ट जो है आपकी सबसे हार्ड रही है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो सेकंड शिफ्ट जो रही है वो सबसे हार्ड रही है। मॉडरेट टू हार्ड जो है सेकेंड शिफ्ट बताई गई है बच्चों के द्वारा, मॉडरेट टू हार्ड जो है बच्चों के द्वारा सेकंड शिफ्ट को बताया गया है। और जहां तक मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये मॉडरेट टू हार्ड नहीं थी, ये थी इजी टू मॉडरेट। ये मेरे अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने जो मुझे बताया है वो मॉडरेट टू हार्ड बताया है। तो ऐसा तो होता ही है दोस्तों, किसी को एग्ज़ाम आसान लगता है तो किसी को हार्ड लगता है, ये अपनी अपनी तैयारी की बात होती है। जैसी आप मेहनत करते हो वैसा ही आपको, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वैसा ही आपको महसूस होता है। यदि आपकी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी होती है तो आप ये कहते हैं कि एग्ज़ाम तो यार बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। जो फर्स्ट शिफ्ट, यदि आप फर्स्ट शिफ्ट से बिलोंग रखते हो तो फर्स्ट शिफ्ट जो बताई गई है कैंडिडेट के द्वारा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट जो बताई गई है वो ज़्यादातर कैंडिडेटों के द्वारा वो बताई गई है इजी टू मॉडरेट। हाँ दोस्तों, इजी टू जो है मॉडरेट जो है, इजी टू मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल है बच्चों के द्वारा बताया गया है। और यदि आपको ये लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो जो है 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट देखते हैं और ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है वो ये थी और हम ये आपको ये बता रहे हैं, तो एक बार फिर जो है दोबारा से फिर जो है कट ऑफ जो है आपके लिए कट ऑफ की नई वीडियो लेकर मैं आऊँगा। क्योंकि जो मैं आपको ये सर्वे बता रहा हूँ ये मेरे पास 4 से 5 हज़ार कैंडिडेटों का सर्वे है, लेकिन अब देखेंगे कि ये वीडियो कितने बच्चे देखते हैं और कितने बच्चे अपने कमेंट इस वीडियो में देते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ। यदि मार्क्स आपके सेम इसके इक्वल बैठते हैं तो दोस्तों फिर क्या कहना है, क्योंकि हम जो आपको डाटा देते हैं वो बिल्कुल स्टिक देते हैं। और यदि हमको ये लगता है कि मार्क्स में ज़्यादा गैप है और यदि आपकी कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो एक बार फिर जो है आपके लिए कट ऑफ की वीडियो जो है दोबारा से फिर जो है आपके लिए बनाई जाएगी, हर अपडेट जो आपको समय रहते दी जाएगी। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं बात करता हूँ थर्ड शिफ्ट के बारे में थी कि जो थर्ड शिफ्ट है। हाँ, और एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि आपका जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट थी वो कितनी थी। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है, यानी 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है MTS का लिया गया। 26 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम लिया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे मुझे मिले वो मिले MTS से रिलेटेड। हाँ दोस्तों,
एक आधा बच्चा ऐसा मिला जो जूनियर टेक्नीशियन क्लैरिकल से था या फिर किसी अन्य पोस्ट से था, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे थे वो एमटीएस से ही रिलेटेड थे तीनों की तीनों शिफ्ट में। अब बात आती है थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, थर्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो थर्ड शिफ्ट जो है बच्चों के द्वारा ये भी जो है क्या बताई गई है, इजी टू मॉडरेट बताई गई है। हाँ फ्रेंड, इजी टू मॉडरेट जो है थर्ड शिफ्ट का लेवल जो है बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया। तो जो बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको ये लगता है कि सर ये इजी नहीं थी, ये तो हार्ड थी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक और वीडियो जो है आपके लिए कट ऑफ की मैं लेकर आऊँगा। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पता क्या बात है दोस्तों, अब एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने और बहुत से बच्चे मुझे ऐसे मिले जो ये कह रहे थे पता नहीं इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी कि, तो जहाँ तक मुझे बच्चों का सर्वे मिला वही सर्वे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यदि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि सर मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं और मुझे ये लगता है कि इसमें ज़्यादा गैप है, तो मैं आपके लिए दोबारा से कट ऑफ जो है वो लेकर आऊँगा। तो ये तो था शिफ्ट का लेवल। और अब आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि थर्ड जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड थी। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सेकंड शिफ्ट वालों को जो है कितना फ़ायदा जो है वो होने वाला है। तो देखिए कैंडिडेट, यदि आप सेकंड शिफ्ट से बिलोंग रखते हो तो आपको जो है 7 से 8 मार्क्स का फ़ायदा जो है वो होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है 7 से 8 मार्क्स का फ़ायदा। और यदि आप थर्ड शिफ्ट से बिलोंग रखते हो या फिर आप फर्स्ट शिफ्ट से बिलोंग रखते हो तो आपको जो है थर्ड शिफ्ट वालों की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट को यदि जो बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया है तो 3 से 4 मार्क्स का फ़ायदा जो है वो हो सकता है, और फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट को 1 से 2 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है यदि होता है तो। तो ज़्यादातर जो हार्ड शिफ्ट मुझे बताई गई वो बताई गई सेकंड शिफ्ट। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने साइड शिफ्ट का खुद एग्ज़ाम दिया है और मुझे जो इसमें हार्ड लगा वो लगा इसमें जीके। हाँ दोस्तों, जीके का जो पार्ट है वो मुझे हार्ड लगा, और हिंदी का लेवल की यदि मैं बात करूँ तो हिंदी का जो लेवल था बिल्कुल ही आसान था, कंप्यूटर का लेवल भी बिल्कुल ही आसान था, और रीजनिंग भी आसान थी, मैथ में भी हाफ सवाल ठीक ठाक थे, और कुछ एक सवाल का जो लेवल था वो ज़्यादा ऊँचा रखा गया था। तो जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में कि जो आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आखिरकार कितनी रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, यदि आपने इसका एग्ज़ाम दिया है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखते हो, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 150 जो है क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखते हो, यदि आपके 150 में से 125 क्वेश्चन, हाँ दोस्तों 125 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन DV के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आपके 125 जो नंबर जो आपका क्वेश्चन है यदि वो इतने ठीक हैं तो आपको जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। हाँ दोस्तों, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना था, 2 मार्क्स का था, यानी कि 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। यदि आपके 250 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो ये तो थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। अब बात करता हूँ मैं OBC के बारे में, OBC कैंडिडेट के बारे में। यदि आप OBC से बिलोंग रखते हो, यदि आपके 190 क्वेश्चन ठीक हैं 100 में से, तो आप अपने आप को सेफ जो है वो समझ सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं इसको सेफ नहीं कहूँगा, ये आपकी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपकी DV के लिए बताया हूँ, DV के लिए ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि DV के लिए किस कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है वो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, न कि मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यदि आपके 190 क्वेश्चन आपके ठीक हैं 119 क्वेश्चन आपके ठीक हैं 150 में से, तो आपको जो है इसमें मार्क्स आपके कितने बने, इसमें आपके बने 238। यदि आपके
238 जो है मार्क्स जो है ओबीसी कैटेगरी में बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जो है वो समझ सकते हो। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस से यदि आप बिलोंग रखते हो और यदि आपके इसमें 115 क्वेश्चन ठीक हैं 150 में से, तो आप अपने आप को जो है डीवी के लिए सेफ समझ सकते हो। डीवी के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है 99% ज़रूर आएगा। तो आपके यदि 230 मार्क्स हैं तो आपका जो है डीवी के लिए क्या आएगा, एडमिट कार्ड 99% आएगा। अब बात आती है एससी कैटेगरी की। और हाँ फ्रेंड, ये जो कट ऑफ है 5 से 6 मार्क्स जो है ज़्यादा भी हो सकती है, 5 से 6 मार्क्स कम भी हो सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है वो नहीं जाने वाली डीवी के लिए। ये आप देख लीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप ये कहेंगे कि सर जो आपने बताई थी बिल्कुल ही करेक्ट कट ऑफ बताई थी। तो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी जो है 114 के आसपास ही रहने वाली है। यदि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 110 के आसपास, यानी कि 110 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हैं, यानी कि 110 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन में से ठीक हैं, तो आप जो है अपने आप को डीवी के लिए सेफ समझ सकते हो। यानी कि कैंडिडेट 220 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए तब आप अपने आप को डीवी के लिए सेफ जो है वो समझ सकते हो। तो ये तो थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैसी लगी आपको कट ऑफ। और हाँ कैंडिडेट, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जो है अपने जो मार्क्स है कैटेगरी वाइज वो ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको ये पता चले कि आखिरकार जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कहाँ तक रहने वाला है फाइनल कट ऑफ का। और फाइनल कट ऑफ की वीडियो जो है आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा, जब मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों का सर्वे आ जाएगा तब मैं आपके लिए फाइनल कट ऑफ का जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। अब ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये सिर्फ डीवी के लिए बताई है, न कि फाइनल कट ऑफ बताई है। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी हो या फिर किसी अन्य भर्ती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी हर कमेंट का जवाब जो है समय रहते दिया जाएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हर कैंडिडेट को समय रहते हर अपडेट जो है समय रहते दी जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई गुड न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।